अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अचारी आलू चने बनाने की रेसिपी आपको दूंगी। आलू चने मैंने बॉईल कर लिए थे और यहाँ पे प्याज और टमाटर मैंने कटिंग कर ली है। और ये अचार को इस मसाला लिया मैंने, उसमें मैंने लेमन डाल के मिक्स करके मसाला और हरी मिर्चों में मैंने फिलिंग कर ली है इस मसाले की। अब मैं ये पतीली में ऑयल ऐड कर रही हूँ, उसमें ये टमाटर और प्याज ऐड करके अच्छे से भूनेंगे। मसाला अच्छे से रेडी हो गया, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद ये जो अचार गोश्त मसाला हमने फिलिंग की थी हरी मिर्चों में, जो बचा था वो हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। और ये आलू चने जो थे उबले हुए, ये भी हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें कोई नमक मिर्च एक्स्ट्रा नहीं जाएगी, सिर्फ ये ही चीज़ें जाएंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। आलू और चने ऑलरेडी गले हुए हैं, इसलिए हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। ये हरी मिर्ची हम ऊपर से डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आप ऐड करते जाइएगा हरी मिर्ची। बड़े साइज़ की हरी मिर्ची लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए अभी मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। आप कलर देख सकते हैं, मैं अब इसको ढक्कन लगा के दम पे रख दूंगी 5 मिनट के लिए। और ये देखें दम से उतार ली, हरी मिर्चें भी गल चुकी है और बहुत ही अच्छा सालन तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप फाइनल लुक इसकी देख सकते हैं, करीब से भी मैं दिखा रही हूँ। हरी मिर्चों का आप कलर देख सकते हैं, ये गल चुकी है। अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और ये पराठे के साथ बहुत ही अच्छा सालन लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।